बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं एडवोकेट सुजीत सम्राट आपके बीच में फिर मैं आज लाइव पर हूं। आप लोगों ने बार बार मेरे को लाइव पर सुना है, तो आज 96 जो लोग रविदास मंदिर के विषय में पकड़े गए थे, दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था, जिनमें फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड केस लगाए गए थे, वो सारे जेल में थे। हमने सभी लोगों की बेल करा चुके हैं, 90 के 96 लोगों की। आज एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और विनय रतन सिंह रोशिंदर जी की भी बेल हो चुकी है और वो सोमवार तक सब लोग छूट जाएंगे। आज रोशिंदर और विनय रतन शाम को छूट रहे हैं, सब लोगों की बेल हो चुकी है। साथियों, ये एक बड़ी हमारी सफलता है। जितने भी एडवोकेट साथी हम लग रहे थे सारे, हमने प्रण लिया था कि जब तक 96 लोगों को बाहर नहीं निकाल देंगे, जब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। तो आज वो हमारा जो प्रण है वो पूरा हुआ है। सबको बेल आउट कर दिया गया है, सबको जमानत मिल चुकी है और 27 बेल हाईकोर्ट से मिली थी, बाकी प्रिंसिपल ऑफ पैरोलिटी है, उस पर सब लोगों को नीचे से ग्रांट हो गई सार को बेल, तो इसलिए आज सब लोगों की बेल हो चुकी है। साथियों, लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि ये जो 96 लोग हैं उनका भी केस चलेगा, चार्जशीट पेश होगी और ये केस लंबी लड़ाई होगी और उसमें हम लोग सब साथ रहेंगे। जितने भी लोग हैं सब हमसे संपर्क कर सकते हैं बाद में भी। तो आज ये काम हो गया। साथियों, मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ जो फेसबुक पर कर रहे हैं कि अब महाभारत होगी, रामायण होगी, ये होगा वो होगा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ो। आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं पढ़ते हैं, भीम आर्मी जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की आर्मी है। और आप महाभारत की जो बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, आपके बाप दादाओं ने कभी रामायण कभी आपने करिए, कभी महाभारत करिए क्या? हम कलम वाले लोग हैं, ठीक है ना? और रावण राज नहीं चाहिए ना। मैं रावण का फॉलोवर हूं ना मैं राम का फॉलोवर हूं, मैं अंबेडकर का फॉलोवर हूं। और भीम आर्मी के लोग जितने भी हैं वो अंबेडकर के फॉलोवर हैं, हम कलम के लोग हैं। तो इसलिए कलम की बात कीजिए, ठीक है? कलम की बात कीजिए, लोगों को तैयार करें कि कलम के योद्धा बने, कलम के आर्मी तैयार करें, जिससे कि समाज में एक अच्छा मैसेज आ सके, क्योंकि कलम की लड़ाई ज्यादा ताकतवर लड़ाई होती है। आज जो लोग छूटे हैं वो कलम की ताकत से छूटे हैं। 96 लोग जो छूटे हैं वो कलम की ताकत से छूटे हैं। तो अपने बच्चों को कलम दो। कलम जब तक अपने बच्चों को नहीं दोगे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत नहीं बनाओगे, जब तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो सपना वो पूरा नहीं होगा। क्योंकि जो हमें अधिकार मिले हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कलम से अधिकार मिले हैं। अगर वो अपनी कलम से संविधान नहीं लिखते तो क्या हम लोग IAS PCS डॉक्टर बन पाते, क्या इंजीनियर बन पाते, क्या वकील बन पाते? अगर बने हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कलम से बने हैं। माननीय काशीराम साहब की जो कलम है, उस कलम ने देश के अंदर क्रांति लाई और वो राजनीतिक क्रांति हुई। उसके बाद में बहन कुमारी मायावती 4 बार देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। तो इसलिए जो लोग फेसबुक पर डाल रहे हैं वो ऐसी बात ना डालें जिससे कि पूरे देश का माहौल खराब हो, या कोई ऐसी बात हो जिससे कि हमारे लोगों पर परेशानी हो। हम उनसे बचें, उन चीजों से बचें। और हमें ना तो महाभारत चाहिए, ना रामायण चाहिए, ठीक है? ना हमें रामराज चाहिए, ना हमें रावण राज चाहिए। हमें अंबेडकर राज चाहिए, हमें संविधान का राज चाहिए। यही बात है साथियों, आपने मेरी बात को सुना और मैं समय समय पर लाइव आता रहता हूं। भीम आर्मी एक विचारधारा है।